हम यदि थोड़ा भी नाराज हो जाए देश का बत्ती गुल हो जाएगा। क्योंकि आदिवासी उनके लिए इतने ही तुच्छ थे कि कभी उनके नेताओं के द्वारा उन पर पेशाब की गई। अपने राज्यों में तो दंगा करवा रही है, चाहे हरियाणा हो या मणिपुर हो, और यहां सरकार को परेशानी कर रही है। क्योंकि आदिवासी उनके लिए इतने ही तुच्छ थे कि कभी उनके नेताओं के द्वारा उन पर पेशाब की गई, प्रताड़ना किए गए, महिलाओं को नग्न कर परेड करवाया गया, और इनको कभी भी रास नहीं आया कि आदिवासी इस देश का जो सबसे पुराना मूलवासी है वो इस भारतवर्ष के किसी भी कोने पर राज करे। आप लोगों ने देखा 2019 के जनादेश के बाद जब हेमंत सोरेन जी सरकार पर आए तो 20 से ही एक व्यूहरचना की गई। 2 वर्ष तो कोरोना का काल रहा, सभी कुछ लगभग थम सी गई थी, लेकिन उसके बाद से इस राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए तरह तरह की साजिशें रची जाने लगी। मनरेगा घोटाले के नाम पर, जिस मनरेगा घोटाला को हम लोगों ने उजागर किया था मुंडा जी के कार्यकाल के समय का, उसको रघुवर जी ने क्लीन चिट देते हुए बंद करवा दिया था। उसी के बहाना केंद्रीय एजेंसियों ने यहां पर राज्य में प्रवेश किया और तरह तरह से राज्य सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, विकास की गति को रोकने के लिए, आदिवासियों के हक और सम्मान को रोकने के लिए एक के बाद एक कार्रवाई की जाने लगी। पिछले बार भी रघुवर सरकार के समय में आप लोगों ने देखा, उसी को आधार बना दिया गया। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या अद्भुत परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ यदि किसी राज्य में कोई भी छत्रप खड़ा होता है, चुनौती देता है, तो उसको येन केन प्रकारेण उसको बदनाम करो, भ्रम की स्थिति पैदा करो, सत्याच्युत करो। लेकिन आदिवासी की मूल लड़ाई महाजन के खिलाफ तो जमीन की रही ना। आज भी हम लोगों ने सरकार बनने के बाद कई सौ एकड़ जमीन वापस दिलवाई आदिवासियों को। जो आदिवासी कल्याण मंत्री है उनके ट्राइब्यूनल से इनको ये बातें पच नहीं रही। ये चाहते कि आदिवासी का नाम और निशान मिटा दिया जाए।
आदिवासी यदि जग के खड़ा हो गया 9 और 10 तारीख को, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी भयभीत हो गई कि यहां का आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक, नौजवान, किसान, महिलाएं कि जो गोलबंदी यहां पर बन रही है, उस गोलबंदी को कैसे रोके। भाजपा शासन के विरुद्ध जो नाराजगी है पूरे देश में, अपने राज्यों में तो दंगा करवा रही है, चाहे हरियाणा हो या मणिपुर हो, और यहां सरकार को परेशानी कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व, और आज भी कैबिनेट है, आज भी शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जो शिबू सोरेन 70 के 80 दशकों में हाथ में तीर कमान लेकर महाजनों के खेत में जाकर आदिवासी जमीन को छुड़वाते थे, आप उनको डराने का काम करोगे? मैं आज बॉन्ड पेपर में लिख के देता हूं कि हमारे नेता के विरुद्ध जो भी साजिश रची गई है, उस साजिश का हम लोग पर्दाफाश करेंगे, समय आने दीजिए। हम ये लड़ाई राजनीतिक तौर पर भी लड़ेंगे और कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे। यह लड़ाई हम जीतेंगे क्योंकि सत्य हमारे साथ। हम यदि थोड़ा भी नाराज हो जाएं, देश का बत्ती गुल हो जाएगा। सबसे ज्यादा खनिज देते हैं, सबसे ज्यादा राजस्व देते हैं, हम देश के लिए खुद को नहीं, खुद के पीढ़ियों को कुर्बान करते हैं। जादूगोड़ा में हमारा यूरेनियम पीढ़ी दर पीढ़ी समाप्त हो जा रही है वहां के आदिवासी मूलवासियों की, लेकिन देश हित में हम इस सैक्रिफाइस को करते हैं। इसलिए हमें डराइए मत, महाजनों से लड़ने का हम में मादा है। महाजन के खिलाफ किस प्रकार लड़ाई लड़ी जाती है, विपक्ष ये कह रहा है कि ये इवेंट आदिवासी दिवस के दिन ऐसा ऑर्गेनाइज किया गया कि इवेंट में सिर्फ राज परिवार सामने आए, बैनर से, पोस्टर से, कटआउट से, बाकी शहीद भी नजर नहीं आए और कोई आदिवासी नेता नजर नहीं आए। तो बोले इवेंट करके क्या दिखाना चाहती है सरकार? देखिए, देश में जब भी कोई आयोजन होता है तो जिन लोगों की आदत है सामंते शरणम गच्छामि, मोदी शरणम गच्छामि, उनको ये कैसे रास आएगा? तो इसलिए ये स्वाभाविक, उनकी जो घबराहट है उसको हम लोग महसूस करते हैं, और इस तरह का डर और घबराहट होना ही चाहिए।
इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880।